हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक तो डेट के लिए वैलिडेशन लगाना, जैसे मान लीजिए कोई भी काम स्टार्ट करने की डेट और एंड करने की डेट, देखिए तो एंड करने की डेट स्टार्टिंग के बाद ही आएगी ना, तो इस पर वैलिडेशन ये लगाना है कि एंडिंग डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्टिंग डेट, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये सब डेट तो ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है स्टार्टिंग डेट है तो 1/8/2021 है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/7, एंडिंग डेट कर देता हूँ 1/7/2021, ठीक है। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, फिर नीचे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ वैलिडेशन ऑलरेडी लगाया जा चुका है। अब ये वैलिडेशन कैसे लगाया ये आपको दिखाता हूँ, पहले तो इसको हटा लूँ, नहीं तो ये हमें टाइप ही नहीं करने देगा, आगे भी नहीं पढ़ने देगा। तो यहाँ से आता हूँ और ये देखिए यहाँ पर कोई वैलिडेशन मैंने लगाया ही नहीं है, तो यहाँ पर ये वैलिडेशन लगभग नहीं करेगा, तो कहाँ आपको लगाना पड़ेगा ये देखिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट को ओपन कीजिए और यहीं पर ये वैलिडेशन लगेगा। तो थोड़ा सा और इधर लेके आता हूं, अब आपको प्रॉपर्टी शीट दिखाता हूं। तो ये देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी शीट है और यहां पर वैलिडेशन रूल में चले जाइए और यहां पर ये वैलिडेशन आपको लगा देना है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं और बढ़िया से आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए ये वैलिडेशन आपको लगाना है, ठीक है। और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए, यहां नीचे दे दीजिए एंडिंग स्टार्टिंग डेट, ठीक है, ये कर दिया हमने और अब इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। और अब यहां पे क्लिक करता हूं और ऐसे, ठीक है, ये हमने कर दिया है, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। और अब यहां पर देखिए यहां पे 2/5/2020 कर देता हूं, ठीक है, 2021 है तो यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए कह रहा है एंडिंग डेट शुड बी ग्रेटर देन स्टार्टिंग डेट, ठीक है। तो ये वो वैलिडेशन है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं वैलिडेशन कैसे लगाया मैंने, एक बार फिर इसको देख लीजिए ध्यान से ताकि आपके समझ में आ जाए क्लियरली। ये देखिए यहां पर गए और ये देखिए ये तो ये आ गया, ठीक है, और यहां से प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक किया तो ये देखेंगे ये जो वैलिडेशन है यही वैलिडेशन आपको अप्लाई करना है। एंडिंग डेट, अब देखिए यहां पे एंडिंग डेट नाम दिया है ना हमने फील्ड को, तो एंडिंग डेट कर दिया, और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट तो ये स्टार्टिंग डेट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वैलिडेशन आसानी से लगा पाएंगे और ये काम भी करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।